Hey guys, welcome back to the new video, the new vlog of the day. It's your boy Jack Lee over here and I welcome you all. How y'all doing? So aaj ke is video mein main ja raha hu a session to go and do a session and aaj ke is session mein main train karunga apne abdominal group ko. Aap mein se kafi log ko lagega and you must be thinking ki abdominal group kya hai. So abdominal group means हमारे ये एप्स जिसे हम कहते हैं 4-pack, 6-pack, 8-pack एप्स. सो इस एप्स को हम कहते हैं एब्डोमिनल ग्रुप. ओके, एप्स के इस मसल को, जिस मसल को हम ट्रेन करते हैं, जो ये बिस्किट की तरह हमें दिखते हैं, उसे कहते हैं रेक्टस एब्डोमिनस. सो बेसिकली मैं जा रहा हूँ आज अपने रेक्टस एब्डोमिनस को ट्रेन करने के लिए एंड मैं आपको इस जर्नी में लेकर जाऊंगा एंड आई विल शो यू ऑल कि मैं कौन सी एक्सरसाइजेस से इन्हें ट्रेन करूंगा एंड जो मैंने अब तक अपने इस टाइम पीरियड में बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस के करियर में मैंने सीखा है, किस वे के साथ, किस पोस्चर के साथ एंड किस फंक्शन के साथ इन्हें ट्रेन करते हैं. सो आई विल शो यू ऑल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा क्लोज ग्रिप पुल डाउन से. एंड यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग कि मैं तो ट्रेन करने एप्स आया था तो मैं क्लोज ग्रिप पुल डाउन क्यों करूँगा. दैट्स बिकॉज क्योंकि हम किसी भी एक्सरसाइज को ट्रेन करने जाते हैं तो इवेंचुअली स्टार्ट कर देते हैं करना. उससे क्या होता है, स्टार्टिंग में हमें पेन होता है अपने जॉइंट्स में. ओके, हम इसे इग्नोर कर देते हैं कि ये तो एक कैजुअल सी प्रॉब्लम थी, नॉर्मल सी नॉर्मल सा पेन था, ठीक हो जाएगा. बट ऐसा होता नहीं है. ओके, इस पेन को अगर हम धीरे धीरे करके झेलते जाए तो ये आगे जाकर बहुत बड़ी एक मेजर इंजरी क्रिएट हो जाती है. सो मैं क्लोज ग्रिप पुल डाउन क्यों करूँगा, जस्ट टू मेक माई ज्वाइंट साइनोवियल फ्लूइड्स मूव. ओके, जो भी मेरे ज्वाइंट्स के अंदर साइनोवियल फ्लूइड होगा उसे ओपन अप करने के लिए एंड उसे वाइडली स्ट्रेच आउट होने के लिए, ताकि वो क्लियरली फ्लो करे एंड मुझे कोई भी ज्वाइंट पेन अपने आने वाले एक्सरसाइजेस में ना दे. ओके, सो क्लोज ग्रिप पुल डाउन मैं यहाँ पे लगे इस फंक्शंस बार पर करूंगा. आई विल डू विद द क्लोज वन. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो डन विद द क्लोज ग्रिप पुल डाउन एंड नाउ माय जॉइंट्स आर फ्रीली मूवेबल. ओके, अब मैं अपने एब्डोमिनल ग्रुप के एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करने जा रहा हूँ. तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो होगी वो होगी हमारी लेग हैंग रेजेस इन दिस बार. ओके, सो आई विल टेक माय ग्रिप ओवर हियर, वाइड ग्रिप एंगल. ओके, एंड आई विल शो यू, लेट्स डू इट. सेट्स मैंने किए हैं 4. ओके, 4 सेट्स. पहले सेट की रेपिटेशन होगी 14 रेप्स, सेकेंड की 14 अगेन, थर्ड सेट की 12 रेप्स एंड अगेन फोर्थ सेट की 12 रेप्स. सो 14 एंड 12 रेप्स की रेपिटेशन को मैं मैनेज करता हूँ. स्लो एंड स्टडी मूवमेंट रहेगा एंड वन ऑफ द मेन बेसिक थिंग, जो एक रूल है जो आपको अप्लाई करना चाहिए, वो है ब्रीदिंग. ओके, सो जब मैं अपने लेग्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, जब मैं ऊपर लेकर आ रहा हूँ अपने मसल्स को एंड उसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, उस वक्त मुझे करना है एक्सहेल. ओके, एंड जब मैं अपने लेग्स को नीचे लेकर जा रहा हूँ उस समय मुझे करना है इनहेल. ओके,
सो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके ब्रीदिंग पर, ओके। सो उसे आपको कंट्रोल करना है, तभी वो एक मसल टू माइंड कनेक्शन, एक इम्प्रूवमेंट आती है और वो उसे आप अप्लाई कर पाओगे अपने लाइफस्टाइल में, ओके। सो दिस इज रियली रियली इम्पोर्टेंट, यू नो, जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया देन आई एम एक्सहेल, जब मैंने उसे डाउन किया देन आई एम यू नो इनहेल। सो दैट्स इम्पोर्टेंट, इसे अपने नोट्स में राइट डाउन करो। सो गाइस द फर्स्ट एक्सरसाइज इज डन, ज्योति लेग रेजेस। मूविंग ऑन टू द सेकेंड वन, सेकेंड एक्सरसाइज काफी सिमिलर है फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ, बट काफी डिफरेंट मेजर है इन सब में, ओके। सो फर्स्ट थी हमारी लुक एट हियर, दिस इज माई लेग्स, ओके। मैंने लेग्स के मूवमेंट को यहाँ तक, ओके, 90 डिग्री तक एंकल तक लेकर आया, वो कंप्लीट हुआ, दिस वॉज द लेग रेज। बट नाउ विच आई एम गोइंग टू डू इज अ लेग रेज ऑफ फुल रेंज ऑफ मोशन। सो इस मोमेंट में मैं अपने लेग्स को यहाँ तक तो लेकर आऊंगा ही, बट आई विल टेक इट ऑल्सो अप हियर, ओके। सो ये होगी 90 डिग्री एंड अगेन 180 डिग्री रेंज ऑफ मोशन को मैं कंप्लीट करूंगा। अपने इस रेक्टस एब्डोमिनस मसल को पूरी तरह से मुझे स्क्वीज करना है, ओके, पूरी तरह से इसे ब्रेक डाउन करना है। इस एक्सरसाइज में जो रेपिटेशंस होती हैं वो बेसिकली आती हैं 8 to 10, विच इज कम्प्लीटली परफेक्ट। सो मैं कोशिश करूँगा 8 to 10 रेपिटेशंस को पाने की। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने लेग रेजेस में अपने बार को, जो मैंने ग्रिप ऑफ द बार मैंने ली थी वो थी स्ट्रेट बार, नेचुरल ग्रिप, बट मैंने इस एक्सरसाइज में एक डिफरेंट बार ग्रिप को अटेन किया। दैट्स जस्ट बिकॉज, क्योंकि अगर मैं लेग रेजेस वाले बार ग्रिप को अटेन करता तो मैं जब अपने लेग्स को ऊपर लेके जाता 90 डिग्री के ऊपर, तो वह मुझे एक स्प्रिंग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती, मैं झूलने लगता। दैट्स वाई जस्ट टू कंट्रोल माई बॉडी एंड मेक माई मोमेंट वेरी कंट्रोलेबल, मैंने ग्रिप को चेंज किया एंड मैंने परपेंडिकुलर टू द बार ग्रिप को उसे अटेन किया। तो ये रीजन था इस फुल रेंज ऑफ मोशन लेग रेजेस में इस ग्रिप को अटेन करने। देन लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एक्सरसाइज, ओके, लेट्स गो। Thank you.